साथियों, आज एक और विषय में देश के लोगों के सामने रखना चाहता हूं। ये विषय है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को रोकने की साजिश। आप मुझे बताइए साथियों, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भ्रष्टाचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचार रूपी दिमाग देश में से नष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, हमारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐसे लोगों के प्रति एक भयंकर नफरत का भाव रहता है। देश की गाढ़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरी भरने की यह प्रवृत्ति कुछ लोगों की पहचान के साथ जुड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है, आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन आज हम देख रहे हैं जो निष्पक्ष संस्थाएं, जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, वे अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो ये लोग और उनका पूरा इकोसिस्टम अब भ्रष्टाचारियों की रक्षा करने के लिए, उन संस्थाओं को बदनाम करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि घोटालों से घिरे लोग एकजुट होकर अब अपनी इकोसिस्टम की मदद से इन संस्थाओं पर ही दबाव बनाने लगे हैं। जांच एजेंसियों को रोकने के लिए ये लोग अपने इकोसिस्टम के साथ मिलकर नए नए तरीके खोजते हैं। इन लोगों को देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं है। पहले हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करो, फिर जांच भी नहीं होने दो, और जांच करे तो उस पर दबाव बनाओ, ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। और देश के लोगों को एक और बात पर मैं ध्यान देना के लिए आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग किसी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होते ही उसे धर्म का रंग देते हैं, प्रदेश का रंग दे देते हैं, जाति का रंग देने लगते हैं। ये नए तौर तरीके शुरू हुए हैं। किसी माफिया के खिलाफ अदालत कोई फैसला सुना देती है तो भी उसे ये लोग धर्म और जाति से जोड़ देते हैं। ऐसे में भारत के, मैं सभी संप्रदायों से आग्रह करता हूं, मैं सभी जाति पे गर्व करने वाले ईमानदार लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, उन सबको सोचना होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों, ऐसे माफियाओं को अपने समाज से, अपने संप्रदाय से, अपनी जाति से दूर करने की हिम्मत करें। इससे समाज भी मजबूत होगा, संप्रदाय भी मजबूत होगा और हर व्यक्ति का भला होगा।
और यूपी में हमारी विजय का एक कारण यह भी है कि वहां के लोगों ने कई दशकों से ऐसी राजनीति का बहुत नुकसान सहा है। मैं बनारस का सांसद होने के नाते यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है।